हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी कलकत्ता यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशंस 2023। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेज की तो एडमिशन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उन लोगों की भी जो है क्लासेस जो है 1 अगस्त से स्टार्ट भी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी भी कलकत्ता की कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पर अभी भी सीट वैकेंट है, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों की ही सीट जो है दोस्तों वैकेंट है, ठीक है। और अभी में से आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप भी नहीं किया है, किसी का एडमिशन्स भी नहीं मिला है, ठीक है। तो आप लोग के पास एक सेकेंड चांस है, ठीक है। फ्रेश टू यहां पर जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की। कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन्स चल रही हैं, ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कि सेकेंड फेज के भी कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन चल रही हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करके मैं बताऊँगा। तो जाने के लिए दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट आप एंड तक देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यूजी एडमिशंस की यहाँ पे दोस्तों सेकेंड फेज जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप चल रही है, ठीक है। इस बार दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ कि इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर की कॉलेजेस जो हैं अभी भी फुलफिल नहीं हो पाए हैं, जिस तरीक़ों से हर साल होती हैं। क्योंकि इस बार जिस तरीक़ों से यहाँ पर ग्रेजुएशन 4 साल कर दिए हैं, ठीक है, तो उस कारण क्या है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो है कम गए हैं ग्रेजुएशंस के बेसिस में, और इस कारण एडमिशंस नहीं लिए हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस फॉर्म फिलअप कर खोल दिए हैं जो कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, और वहाँ जो है आप अपने एडमिशंस को करवा सकते हैं बी ए, बी एस सी, बी कॉम तीनों ही ब्रांच के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस की जो है फॉर्म फिलअप चल रही हैं। देखिए दोस्तों, मौलाना आज़ाद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की, ठीक है, बहुत ही रेपुटेड कॉलेजेस हैं। देख सकते हैं नोटिस यहाँ पे 5 अगस्त की आए हैं। यहाँ पे देखिए, सेकेंड फ्रेश ऑफ यूजी एडमिशंस इनवाइट द फ्रेश एप्लीकेंट्स, ठीक है। जिस कोर्स में यहाँ पे सीट्स यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बीए की 4 साल डिग्री, अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च और विदाउट रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि अरबिक, बंगाली, फारसी, फिलोसॉफी और संस्कृत जैसे कोर्स में अभी भी यहाँ पर सीट खाली है, फॉर्म फिलअप करके जो है अपना एडमिशंस को ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 ईयर की मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स अरबिक में यहाँ पे जो है सीट वैकेंट है। फॉर्म फिलअप दोस्तों चल रही है 7 तारीख से लेकर 10 अगस्त के बीच जो है आप लोगों की फॉर्म फिलअप यहाँ पर चल रही है, ठीक है, रात 10 बजे के बीच। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों को बता दी है कि 10 अगस्त के बाद जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश हो जाएंगे, और फिर जो है एडमिशंस आप 11 अगस्त तक जो है एडमिशंस को ले सकते हैं, ठीक है। ये मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ से यहाँ पर फ्रेश एडमिशन जो है यहाँ पर चल रही है, जो कोर्सेज को लेकर मैंने आपको बताया। चलिए अगले कॉलेज की नोटिस की तरफ चलते हैं। अगले कॉलेज दोस्तों बंगोबासी मॉर्निंग कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे भी जो है दोस्तों इनकी फॉर्म फिलअप चल रही है। यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि 2 अगस्त से ही इनकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट यहाँ पे 10 अगस्त है, ठीक है। 5:00 PM तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन कॉलेजेस की बात करो तो बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में ही सीट दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये कॉलेजेस में मैक्सिमम सीट जो है अकाउंट्स ऑनर्स की यहाँ पर रह जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बीए जनरल की कोर्सेज रह जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं सीट इतनी ज़्यादा है, इस कॉलेज में उतनी सारी ज़्यादा जो है फॉर्म फिल होती नहीं है, इसलिए हर साल ये कॉलेज जो है एंड तक ओपन करती हैं, लेकिन इस साल भी यहाँ पर ओपन कर दिए हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तीनों ही ब्रांच के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम की। चलिए अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले कॉलेज की तरफ यहाँ पर सुरेंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज की भी जो है दोस्तों फॉर्म फिलअप यहाँ पर खुल चुकी है, यहाँ पर, ठीक है। एडमिशंस ऑनलाइन पोर्टल पे आप यहाँ पर आएंगे, देख सकते हैं यहाँ की फ्रेश टू की जो है एडमिशंस यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। ये 28 तारीख से ही जो है इनकी ओपन हो चुकी थी, और यहाँ पे लास्ट जो है 10 अगस्त हैं, ठीक है। इनकी मेरिट लिस्ट जो है 12 तारीख को, और एडमिशन भी जो है 12 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएंगी। अप्लाई सिंपल आप कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सभी कोर्सेज के लिए इनकी फॉर्म फिलअप यहाँ पे चल रही है, चाहे आप बीए की ऑनर्स डिग्री करें, बीएससी की ऑनर्स करें, बीकॉम की ऑनर्स करें, या बी ए बी एस सी की मल्टी डिसिप्लिनरी या बी कॉम की मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करें, तो यहाँ पे जो है अक्सर जो है इनकी भी कॉलेज जो है फॉर्म फिलअप यहाँ पे होती है एंड तक, और इस साल भी काफ़ी सीट सुरेंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज में सीट वैकेंट है। अगर अभी तक आप काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है एडमिशंस नहीं ले पाए हैं, तो ज़रूर फॉर्म फिल करके आप अपना एडमिशंस लीजिए, किसी 3rd पर्सन के बीच में मत पड़िएगा। देखिए आशुतोष कॉलेज की भी जो है फॉर्म फिलअप दोस्तों यहाँ पर चल रही है, ठीक है। आशुतोष कॉलेज की देखिए
कुछ बीएससी की डिग्री है, कुछ बीए की डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखिए बीएससी की बंगाली है, फिलोसॉफी है, संस्कृत है, ठीक है। वहीं बीएससी की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म फिलअप यहाँ पे चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी फॉर्म फिलअप जो है यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल इसी तरीके से जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी कॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूँ, खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज, यहाँ पे भी मैक्सिमम सीट जो है बीए बीएससी बीकॉम तीनों के ही लिए वैकेंट है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। चलिए मैं आपको जो है एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप जो है फॉर्म फिल आप कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए कितनी सीट वैकेंट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बीए बीएससी बीकॉम की यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि बीए के लिए कोर्सेज के लिए, ठीक है, जैसे बंगाली में देखिए यहाँ पे एससी एसटी जनरल के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल, एडुकेशन के लिए आप देख सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी देख सकते हैं। इस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स बहुत अच्छे स्टडी करवाई जाती हैं और पहली बार ऐसे हुए कि इंग्लिश ऑनर्स की सीट इस कॉलेज में बच चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी हिस्ट्री जर्नलिज्म सभी की सीट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी कॉम की बात करूँ अकाउंट्स की, यहाँ पर 17 सीट जनरल में बच गए हैं, एससी में 35 सीट बच गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों फॉर्म फिल आप कर सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी कॉलेजेस की जो मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया एक एक करके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेजेस आती हैं। अभी भी कोई भी अगर कॉलेज रह गया होगा तो ज़रूर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट दे दूँगा, तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं सभी इन्फॉर्मेशन जो है मैं देते रहता हूँ। इस तरीके से जो है कंटेंट दोस्तों आप लोगों को कोई भी यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड करेगा और एडमिशन जो है दोस्तों अभी तक चल रही है, तो किसी भी थर्ड पर्सन के हाथ पे आप मत आइएगा, नहीं तो आपको वो जो है एक्स्ट्रा मनी के डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।